हेलो गाइस, वेलकम टू धनुका एग्रीकेडमी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट इंटेगुमेंट और इंसेक्ट बॉडीवॉल। तो आज अपन पार्ट वन डिस्कस करेंगे, जिसमें ओनली इंसेक्ट इंटेगुमेंट देखा जाएगा। बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पार्ट टू में अपन क्यूटिकुलर अपेंडिजेस देखेंगे। जो अभी चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इंसेक्ट इंटेगुमेंट। बात करें अपन इंसेक्ट बॉडी वॉल, जिसको अपन इंटेग्यूमेंट के साथ साथ एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? बाहरी ढांचा या आउटर कवर। तो ओरिजिन की बात करें तो अपन ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। अब ये एक्टोडर्मल क्या होता है? इंसेक्ट की जो बॉडी होती है पूरी, वो थ्री जर्मिनल लेयर से मिलकर बनी होती है। ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्मल, ठीक है। और बीच की जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेसोडर्मल। और जो आखिरी की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मल। तो ये आपका एक्टोडर्मल है, ठीक है। ये सबसे ऊपरी कवर, ऊपरी लेयर है। अब इंसेक्ट बॉडी काम क्या करता है? तो ये स्पेस प्रोवाइड कराता है मसल अटैचमेंट के लिए, ठीक है। ये शेप प्रोवाइड कराता है इंसेक्ट को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ताकि इंसेक्ट का जो बॉडी है वो मजबूत रहे। और साथ साथ में अपेंडेजेस जो रहते हैं, जैसे विंग्स हो गया, लेग्स हो गया, उनका अटैचमेंट होता है बॉडी वॉल के थ्रू। साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, मतलब इंसेक्ट का बॉडी है जो उसमें वाटर प्रेजेंट होता है वो लॉस ना हो, तो वो भी क्या करता है? इंसेक्ट का बॉडी वॉल प्रोटेक्ट करता है। और साथ में होने वाली फिजिकल और मैकेनिकल इंजुरीज जो होती हैं, जो बाहर चोटें लगती हैं इंसेक्ट को, वो भी रिकवर करता है कौन? बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इनमें थ्री लेयर्स पाया जाता है। अपन नीचे से देखते हैं तो नीचे में सबसे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ये रहा, और उसके ऊपर देखेंगे तो अपन को एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगा। ये रहा आपका हाइपोडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये वाला स्ट्रक्चर। और तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा क्यूटिकल। तो ये तीनों जो लेयर है इनको हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब क्यूटिकल जो है वो दो भाग में डिवाइड है, एक एपी क्यूटिकल और एक प्रो क्यूटिकल। तो एक्सो और एंडो क्यूटिकल को हम एक साथ क्या कहते हैं? प्रो क्यूटिकल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और अदर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ब्रिस्टल्स, जो कि हेयर फॉर्म होता है बॉडी वॉल के ऊपर में, साथ में डर्मल ग्लांड, ये आगे हम डिस्कस करते हैं क्लियरली। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो कि सबसे नीचे वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं। और ये बेसल पार्ट का काम करता है, मतलब बाकी की जो क्यूटिकल लेयर हैं और एपिडर्मिस हैं इसके ऊपर टिके रहती हैं। इनका जो थिकनेस है, मतलब इनकी जो मोटाई है, वो 0.5 माइक्रोन्स है। इसको आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो इसमें बहुत सारे फाइबरस प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसमें ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकन्स होते हैं, जो कि पॉलीमर्स किसके रहते हैं? डाइसेक्राइड्स के। डाइसेक्राइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में इनमें प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस लेयर की, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। ये जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में टिका होता है, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर लेयर होता है, मतलब इनमें लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ओनली इसी में लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके कुछ फॉलोइंग फंक्शन है अपन देखते हैं। पहला ये काम करते हैं क्यूटिकल सिक्रेशन करते हैं। अब आप ऊपर में देख रहे हैं एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? ये एपिडर्मिस के थ्रू होता है। तो एपिडर्मिस क्या करता है? क्यूटिकल क्यूटिकल सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो इनका दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, ये डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं ओल्ड क्यूटिकल को। जब इंसेक्ट में मोल्टिंग की प्रोसेस होती है तो क्या होता है उसमें? जो उनका पुराना क्यूटिकल होता है, मतलब ये तीनों क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ? एपिडर्मिस में। और नया क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है कहाँ से? एपिडर्मिस से ही होता है। तो ये इनका मेन फंक्शन होता है। अब तीसरा इनका मेन फंक्शन होता है वाउंड रिपेयरिंग, मतलब इंसेक्ट में अगर चोट लग जाता है, अगर उनका एपिक्यूटिकल या एक्सोक्यूटिकल कहीं से कट हो जाता है या इंजुरीज हो जाती है, तो एपिडर्मिस क्या करता है? उसको रिकवर कर देता है, ठीक है, फिर से उसका फॉर्मेशन कर देता है। तो ये इनके मेन फंक्शन थे। अब इनमें कुछ ग्लांड्स और सेल्स पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, इसको हम थोड़ा देखते हैं क्लियरली। पहला होता है डर्मल ग्लांड्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये कहलाता है आपका डर्मल ग्लांड, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है डर्मल ग्लैंड का? ये क्रिएट करता है सीमेंट लेयर। हम आगे देखेंगे कि एपिक्यूटिकल और भी चार पार्ट में बटा है, इनमें एक होता है सीमेंट लेयर। तो ये सीमेंट लेयर का फॉर्मेशन किससे होता है? डर्मल ग्लैंड से होता है, ठीक है। सेकेंड है आपका ट्राइकोजन सेल। अब ये ट्राइकोजन सेल कहाँ पे? ये रहा आपका ट्राइकोजन सेल। अब ये ट्राइकोजन सेल क्या करता है? ट्राइकोजन सेल हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, सीटा या ब्रिस्टल, इसका ये फॉर्मेशन करता है, आप देख सकते हैं। अब थर्ड है आपका टोरमोजन सेल। अब टोरमोजन सेल का मेन काम क्या है? आप ये देख रहे हैं ये सॉकेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये टोरमोजन सेल का ही काम है। मतलब यहाँ पर टोरमोजन सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कि सॉकेट बनाने का, ब्रिस्टल या जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसका सॉकेट बनाने के लिए ये हेल्प करता है। अब फोर्थ आपका मोल्टिंग ग्लांड्स। इनमें एक मोल्टिंग ग्लांड्स भी पाया जाता है, जो क्या काम करते हैं? वो सिक्रेट करते हैं मोल्टिंग फ्लूड, जो कि हेल्प करता है ओल्ड क्यूटिकल को डाइजेस्ट करने में। जैसा कि मैंने आपको बताया एपिडर्मिस में,
जो ये होता है डाइजेशन होता है, ये एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, मोल्टिंग ग्लैंड्स जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बेस पे हमने देख लिया, हमने एपिडर्मिस देख लिया, अब अपन आते हैं क्यूटिकल पे, ठीक है। क्यूटिकल की बात करें तो ये आउटर मोस्ट थिक लेयर है, सबसे ऊपर ऊपर की लेयर है ये, और ये सबसे मोटा लेयर है, जिसमें ये भी डिवाइड है दो रीजन में। तो पहला रीजन है इसका एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल जो ऊपर पतली सी लेयर है एपिक्यूटिकल कहलाती है, और दूसरी है एक्सो और एंडोक्यूटिकल, जिसको हम क्या कहते हैं साथ में, प्रोक्यूटिकल, मैंने आपको पहले भी ये बताया था। अब एपिक्यूटिकल की बात करते हैं अपन, तो एपिक्यूटिकल जो है आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब सबसे ऊपर की लेयर है, और इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, 1 से लेके 4 माइक्रोन तक होती है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब इनमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें काइटिन जो होता है वो बिल्कुल अब्सेंट होता है एपिक्यूटिकल में। तो एग्जाम के नजरिए से, पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काइटिन किसमें अब्सेंट होता है, तो एपिक्यूटिकल में होता है, ये आपको याद रखना है। अब अपन एपिक्यूटिकल में जो लेयर्स पाई जाती है वो अपन देखते हैं। अब देखते हैं अपन एपिक्यूटिकल में कौन कौन से लेयर पाई जाती है। तो इसमें 4 लेयर्स पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट है। जो पहला है आपका सीमेंट लेयर, जो कि डर्मल ग्लैंड सीक्रेट्स करता है। आप एपिक्यूटिकल को जूम करके देखेंगे या इंटरनली स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें जो सबसे ऊपर होता है वो होता है सीमेंट लेयर, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब रक्षा कवच का काम करता है, बॉडी वॉल का भी और इंसेक्ट बॉडी का। अब सेकेंड जो आता है आपका, तो वैक्स लेयर। अब जस्ट सीमेंट लेयर के नीचे क्या है आपका, वैक्स लेयर। ये प्रोमिनेंट लेयर है, मतलब इंपॉर्टेंट लेयर है, और इसका जो मोटाई होता है 0.25 माइक्रोन थिकनेस होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाटर प्रूफ लेयर होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है इंसेक्ट के बॉडी में ना जाए, तो ये वाटर प्रूफ लेयर का काम करता है। अब तीसरा जो आता है आपका, पॉलीफिनोल लेयर। अब आप देखेंगे सीमेंट लेयर हो गया, वैक्स लेयर हो गया, अब जस्ट इसी के नीचे एक आता है लेयर, पॉलीफिनोल लेयर। और पॉलीफिनोल लेयर का क्या काम होता है, ये नॉन स्टेटिक लेयर है, मतलब ये बिल्कुल स्थिर रहता है। समझिए कि आप यहाँ पे प्रेजेंट है पॉलीफिनोल लेयर, और ये बिल्कुल स्थिर रहता है, ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं करता, और ये रेसिस्टेंट होता है किसके थ्रू, एसिड और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ये उनसे बचाव करता है। अब फोर्थ आता है आपका क्यूटिक्लिन लेयर। तो क्यूटिक्लिन जो लेयर है आपका, समझिए कि जस्ट यहाँ पे आपका पॉलीफिनोल लेयर है, अब उसके नीचे में आता है क्यूटिक्लिन लेयर। तो ये भी एक क्या कलर होता है इसका, एम्बर कलर का होता है, एम्बर कलर मतलब येलो ऑरेंज कलर का होता है, और बहुत पतला लेयर होता है, ठीक है, पतली लेयर प्रेजेंट होती है। और इसका मेन काम क्या होता है, ये इनका मेन पर्पज ये होता है, ये परमेबिलिटी का काम करते हैं, मतलब कोई भी मटेरियल्स है उसको आने जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जगह प्रोवाइड कराते हैं। और ये ग्रोथ बैरियर का काम करते हैं, ग्रोथ बैरियर मतलब जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है इंसेक्ट में उसको रोकने का काम करते हैं। तो हमने एपिक्यूटिकल पूरा समझ लिया, उनके चारों लेयर्स देख लिया हमने। अब अपन आते हैं एक्सो और एंडोक्यूटिकल में, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं एक साथ, प्रोक्यूटिकल। फर्स्ट अपन देखते हैं एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल जो है आउटर लेयर है, ठीक है, क्यूटिकल की बात करें दोनों क्यूटिकल में, तो मतलब ये आउटर लेयर कहलाएगी। और इनका जो कंपोजिशन होता है, ये काइटिन और स्क्लेरोटिन के बने होते हैं, कौन सा, एक्सोक्यूटिकल। और इसका कलर डार्क होता है और रिजिड होता है, मतलब हार्ड स्ट्रक्चर का होता है, और ये एंडोक्यूटिकल से पतला होता है। अब हम बात करते हैं एंडोक्यूटिकल की। तो एंडोक्यूटिकल क्या है, सबसे मोटा लेयर कहलाता है, ठीक है, थिकेस्ट लेयर है, और इसका जो लेयर है वो काइटिन और आर्थ्रोपोडिन से बना होता है। तो ये आर्थ्रोपोडिन और स्क्लेरोटिन क्या है, ये प्रोटीन है। और ये जो लेयर होती है ये कलरलेस होती है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता, बल्कि सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है कंपेयर टू एक्सोक्यूटिकल। ये सब जो पॉइंट है आपको याद रखना है, कि क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा घुमा के। अब बात करते हैं इनसेक्ट क्यूटिकल में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें दो मेजर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पहला काइटिन और दूसरा प्रोटीन। ये एक्सो और एंडोक्यूटिकल किसका बना होता है, काइटिन और प्रोटीन का ही बना होता है। अब काइटिन की बात करें तो ये नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड है, और ये पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें शुगर मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग होता है, तो ये नाइट्रोजन के साथ मिलके बने होते हैं, ठीक है। क्यूटिकल की ड्राई वेट की बात करें अपन, ठीक है, तो 25 से 60% जो है काइटीन प्रेजेंट होता है, और बाकी का जो बचा 40% वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। मतलब काइटीन आपका 25 से लेके 60% तक प्रेजेंट होता है, इनका ड्राई वेट होता है क्यूटिकल में। अब इनमें प्रेजेंट होता है हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसको आप बस याद रख लीजिए, जिसका केमिकल फॉर्मूला C8H15NO6 है। ये एक तरह का एमाइड्स होता है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज का बना होता है। तो काइटिन जो है कि इनसॉल्युबल होता है, मतलब पानी में बिल्कुल नहीं घुलता, एल्कोहल में नहीं घुलता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाइज में बिल्कुल ये नहीं घुलता है, बट ये कुछ चीजों में सॉल्युबल रहता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स एसिड और सोडियम हाइपोक्लोराइट में ये सॉल्युबल रहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए। अब अपन देखते हैं प्रोटीन, काइटीन हमने देख लिया है, जो कि है प्रोटीन। अब तीन मेजर टाइप का प्रोटीन पाया जाता है किसमें, इंसेक्ट बॉडी वॉल में। पहला है आपका आर्थ्रोपोडिन, जो कि एंडोक्यूटिकल में प्रेजेंट होता है, ये रहा आपका एंडोक्यूटिकल। इनमें क्या पाया जाता है, आर्थ्रोपोडिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो कि सॉफ्ट होता है और वाटर सोल्यूबल होता है।
अब इनमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्केलरोटाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो ऑर्थोप्रोटीन प्रेजेंट होता है किसमें, एंडोक्यूटिकल में, ये स्केलरोटीन में चेंज हो जाता है। जब ये एक्सोक्यूटिकल में जाता है तब, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्केलरोटाइजेशन या टेनिंग। और ऑर्थोप्रोटीन को हम अनटेंड प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। अब बात करते हैं अपन स्केलरोटीन, इसको हम कहते हैं टेंड प्रोटीन, क्योंकि ये हार्ड स्ट्रक्चर का होता है और ये एम्बर कलर का होता है, मतलब येलो या ऑरेंज कलर का होता है। ये ओनली प्रेजेंट होता है एक्सोक्यूटिकल में। स्केलरोटाइजेशन एक प्रोसेस था जिसमें क्या होता है, क्यूटिकल का हार्डनिंग होता है। अब थर्ड एक प्रोटीन है रेजिलिन। रेजिलिन एक इलास्टिक क्यूटिकुलर प्रोटीन है जो कि स्क्लेराइट को फ्लेक्सिबल बनाता है। और ये स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होता है, विंग स्ट्रक्चर में, जहाँ विंग आर्टिकुलेटरी स्क्लेराइट प्रेजेंट होता है जो कि थोरेक्स में ज्वाइंट रहता है, वहां पे ये रेजिलिन प्रोटीन पाया जाता है ताकि इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये थे आपके प्रोटीन। ओवरऑल हमने एक्सोस्केलेटिन देख लिया, ठीक है, पूरा हमने कवर कर लिया। अब अपन आते हैं एंडोस्केलेटिन। एक्सोस्केलेटिन क्या था, ऊपर का ढांचा था, ऊपर का बॉडी कवर था, लेकिन एंडोस्केलेटिन क्या है, ये अंदरूनी है, इंटरनल है, ये इसको हम नीचे का ढांचा कह सकते हैं। तो ये दो तरह का होता है, ठीक है। ये क्यूटिकुलर इन ग्रोथ होता है बॉडी वॉल का, जो कि स्पेस प्रोवाइड कराता है मसल अटैचमेंट। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है एपोडीम। अब मैं एपोडीम की बात करूं तो ये होलो इन्वेजिनेशन होता है। अब ये आप देख सकते हैं, ये आपका इंसेक्ट बॉडी वॉल का ऊपरी ऊपरी स्ट्रक्चर है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये आपका कहलाता है एपोडीम, जहाँ पे मसल अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड होता है। एपोडीम की बात करें तो एपोडीम जो स्ट्रक्चर होता है वो रिज लाइक होता है। रिज लाइक मतलब आप देख सकते हैं ये नीचे की ओर धंसा हुआ। अब सेकंड अपन बात करते हैं एपोफाइसिस की, तो ये होता है सॉलिड इन्वेजिनेशन होता है, जो कि स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आप ये देख सकते हैं ये आपका एपोफाइसिस है, ठीक है, जो कि स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर की ओर उठा होता है। तो ये कहलाता है आपका एंडोस्केलेटन। इसमें आपको इतना ही बस देखना है। अब ओवरऑल अपन देखते हैं क्या क्या फंक्शन है बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल क्या करता है, एक्सटर्नल आर्मर का काम करता है, मतलब रक्षा कवच का काम करता है, जो कि ऑर्गन्स को, जॉ को, ओविपोजिटर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये फिजिकल एब्रिशन, इंजुरी, केमिकल इंजरीज, पैरासाइट, प्रीडेटर से और पैथोजन से बचाता है बॉडी वॉल, ठीक है, ताकि वो बॉडी में एंटर ना कर पाए। इंटरनली प्रोटेक्ट करता है जो वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, मतलब फोरगट, हाइंड गट, ट्रेकिया या एलिमेंट्री किनाल की बात करें तो प्रोटेक्ट करता है इंटरनली। स्पेस प्रोवाइड कराता है मसल अटैचमेंट के लिए और बॉडी को सेफ प्रोवाइड कराता है। वाटर लॉस जो होता है बॉडी से वो प्रिवेंट करता है। और इनमें क्या पाया जाता है, क्यूटिकुलर ही सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, जो कि क्यूटिकुलर में प्रेजेंट होता है, जो कि इन्वायरमेंट को सेंस करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात करें स्पाइन डिस्टल, जो कि सेंसिंग में मददगार होते हैं। और इनमें क्यूटिकुलर पिगमेंट्स पाया जाता है, जो कि कलर प्रोवाइड कराया जाता है, जो कलरेशन होता है इंसेक्ट में। एग्जाम्पल के लिए बात करें अपन मेलानिन, मेलानिन जो पिगमेंट है ये इंसेक्ट में ब्लैक या ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है। तो ओवरऑल ये था आपका इंसेक्ट बॉडी वॉल, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कुछ सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करें और लोगों को शेयर करें जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी जो सेकेंड वीडियो आएगी उसमें अपन क्यूटिकुलर अपेंडिजेस या क्यूटिकुलर आउटग्रोथ देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।